यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जंक फूड स्वास्थ्य के लिए खराब है और बच्चों में इसकी लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की वजह है टेलीविजन पर आने वाले जंक फूड्स के विज्ञापन। यह कहना था इस मुद्दे को उठाने वाले सांसदों का। लोकसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा जोरों शोरों से उठा और कुछ सांसदों ने सरकार से प्रश्न भी किया कि वे इस विज्ञापन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। अकोला महाराष्ट्र से बीजेपी के सांसद संजय धोत्रे ने सवाल उठाया कि जंक फूड की कंपनियां बच्चों को लुभाने के लिए खास तौर पर बच्चों के चैनल और उनसे संबंधित कार्यक्रम के दौरान ऐसे विज्ञापन दिखाती है ताकि बच्चों को आसानी से आकर्षित किया जा सके। उन्होंने पूछा कि इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। उन्होंने मांग रखी कि सरकार को उनके विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जवाब देते हुए कहा कि अनुसूची विज्ञापनों को रोकने के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापनों पर नजर रखती है। इसके लिए सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान भी चला रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि 9 कंपनियों ने आगे बढ़कर खुद ही कहा है कि वो बच्चों के कार्यक्रम के दौरान ऐसे विज्ञापन नहीं दिखाएंगे। राठौर ने यह भी बताया कि स्कूल की कैंटीन में जंक फूड पर पहले ही रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि जंक फूड के विज्ञापन को रोकने के लिए कानून बनाना जरूरी है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है।